गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज एक टॉपिक अपन C++ में टाइप कन्वर्जन देखते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं सर टाइप कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट अभी मुझे क्लियर नहीं कि टाइप कन्वर्जन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हम टाइप कन्वर्जन करते हैं। तो आज अपन पहले देख लेते हैं टाइप कन्वर्जन। तो देखिए C++ में हम जब एक डेटा टाइप से, यानी कि टाइप कन्वर्जन एक प्रोसेस है, जब हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, टाइप कास्टिंग कहलाता है। टाइप कास्टिंग है जैसे अपन बोलते हैं, तो इसमें जो टाइप कास्टिंग C++ में होती है, हमारे पास दो टाइप की टाइप कास्टिंग अपन करते हैं या टाइप कन्वर्जन दो तरीके से करते हैं, इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं, टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, दोनों में से जो भी है वो थोड़ा सेम। ठीक है, तो हमारे पास C++ में जो दो, या सी लैंग्वेज में भी अगर हम बात करें तो ही टाइप की, किसी भी लैंग्वेज में बात करें तो दो ही टाइप के हमारे पास टाइप कन्वर्जन्स होते हैं, इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो देखिए हमारे पास जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है कि जब हम कन्वर्जन प्रोसेस करते हैं, ठीक है, वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप, और डेटा टाइप ऑटोमेटिकली बाई कंपाइल्ड, कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चेंज कर देता है, तो ये जो प्रोसेस कहलाती है वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहलाती है। कौन सी प्रोसेस कहलाती है, इनवर्ट, जो ऑटोमेटिकली कंपाइलर परफॉर्म करता है वो हमारा कौन सी प्रोसेस कहलाती है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम एक आपको समझाना चाहें, इसी डायग्राम में दिया हुआ है हमने, जैसे हमने इंट आई इक्वल टू 10 लिया और एक फ्लोट इक्वल टू एक्स वैल्यू हमने दी 1.5.5, उसका कैप में हमने दी वैल्यू। तो आई हमारा इंटीगर डेटा टाइप से और ये एक्स हमारा किस टाइप का है, एक्स हमने लिया फ्लोट टाइप, तो एक्स वैल्यू कन्वर्ट टू 15, ये हमारा कितनी वैल्यू दे देगा, 15 दे देगा, और जिसकी दशमलव वाली वैल्यू से वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक, इसी तरह अगर हमने एक्स इक्वल टू आई किया तो आई वैल्यू इज द 10 कन्वर्ट इंटू 10 दशमलव, तो ये हमारा असाइन टू एक्स। इस टाइप से जो कन्वर्जेंस होता है, जब हम लोअर से एक अपन कहते हैं टाइप कन्वर्जेंस, तो हमारा ये क्या कहलाता है, ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन कहलाता है, जिसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कन्वर्जन। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ इम्प्लिसिट कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, तो इसी में अपन देखते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन, प्रोग्राम का नाम क्या डाल लेते हैं, इम्प्लिसिट कन्वर्जन, इसको अपन देखते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन का डेमो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये आपको हमेशा, चाहे किसी भी लैंग्वेज में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ये कन्वर्जन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें सब में, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टाइप कन्वर्जन करने की जरूरत पड़ती है। तो हम पहले देखते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन, कौन सा कन्वर्जन, इम्प्लिसिट कन्वर्जन। तो अपन यहाँ पे सोर्स में गए, सोर्स में जाने के बाद हमने यहाँ पे कर दिया इम्प्लिसिट कन्वर्जन प्रोग्राम। ठीक, अब अपन यहाँ पे क्या किया, हेडर फाइल्स को ओपन किया, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, क्लियर। तो उसके बाद हमने यहाँ पे किया इंट मैन। कोई भी अगर ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, पुराने टॉपिक्स में कोई भी दिक्कत है, लूपिंग, कन्वर्जन, अरे, किसी भी पॉइंटर, किसी भी अगर टॉपिक में दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताया करें। जो स्टूडेंट्स पूछते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, कम से कम उनको कुछ तो समझ में आ रहा है। कोई भी टॉपिक, ऐसे किसी भी प्रीवियस टॉपिक में आपको दिक्कत है तो मैं बिल्कुल बता दूंगा आपको। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक इंट मैन फंक्शन लिया, यहाँ पे हमने लिया इंट आई, आई इक्वल टू हमने दे दिया 95, वैल्यू हमने कितनी दे दी 95। यहीं पर हमने एक लिया फ्लोट, फ्लोट की वैल्यू हमने दे दिया एफ इक्वल टू 90.99, ये हमने एक वैल्यू दे दी। उसके बाद हमने एक कैर लिया, सपोज कैर, क्या लिया, कैर, कैर की वैल्यू हमने, जैसे सपोज एग्जांपल इसका वेरिएबल लिया और सिंगल कोट में हमने दे दिया कैपिटल, ये हमने यहाँ पे लिया हुआ। ठीक है, अब हमने आई इक्वल टू एफ असाइन किया, आई इक्वल टू क्या असाइन कर दिया हमने, एफ असाइन कर दिया, I इक्वल टू f। अगर हम इसकी बात करें तो इंटीजर डेटा टाइप है ये, कौन सा डेटा टाइप, इंटीजर, तो हमें यहाँ किससे कन्वर्ट करा रहे हैं, फ्लोट टू इंट, किसमें कन्वर्ट करा रहे हैं, फ्लोट टू इंट। तो अगर इसकी वैल्यू की हम बात करें तो वैल्यू इसमें कैसे जाएगी हमारे पास, अगर जो वैल्यू हमारे पास है वो कितनी है, 90.99, तो इंटीजर दशम पॉइंट की वैल्यू रखता नहीं, तो आपको कौन सी वैल्यू मिलनी चाहिए, ओनली 90, ये वैल्यू आपको मिलेगी। अपन चाहे तो इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं, सी आउट आई वैल्यू इज आई को अपन यहाँ पे
प्रिंट करा लिया, तो अपन ने क्या कर दिया एंड ये कर दिया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अगर आई की वैल्यू अपने पास कितनी है, अभी आई की वैल्यू कितनी होगी 90 हो गई। अगर हम यहाँ पे करेंगे f इक्वल टू आई, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो कन्वर्जन कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं, इंट टू फ्लोट, कैसा करवा के इंट टू फ्लोट। तो इंट वैल्यू हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी है, अभी इस टाइम जब चेंज हुई आई की वैल्यू कितनी 95 थी, पर 95 होने के बाद कितनी वैल्यू हुई 90। तो 90 वैल्यू से टू क्या हो जाएगी इसकी 90.1 टाइम्स ये वैल्यू हो जाएगी। चाहो तो हम एफ की वैल्यू के यहाँ प्रिंट करा के देख सकते हैं, सी आउट एफ वैल्यू इज, यहाँ पे एफ को अपन प्रिंट करा लेते हैं, एफ को यहाँ पे क्या कर देते हैं अपन प्रिंट करा लेते हैं। उसके बाद आई इक्वल टू सी एच कर देते हैं, तो सी एच कैर की अगर हम बात करें तो कैर की इंटीजर वैल्यू जो हमारे पास, हम यहाँ क्या कर रहे हैं कैर टू इंट कर रहे हैं। तो अगर हम कैपिटल ए की बात करें कैर टू इंट, तो कैपिटल ए की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, अगर आपने देखा होगा कैपिटल ए टू, अगर हम इसकी बात है 65, जिसकी वैल्यू होती है वो आज की वैल्यू कितनी होती है 65, स्मॉल ए की जो आज की वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपके पास 97। तो हमने यहाँ पे सी आउट किया और अब हमने यहाँ पे सी एच की वैल्यू को प्रिंट किया, बाय सी एच वैल्यू इज, और यहाँ पे सी एच को प्रिंट करा लिया, सी एच की वैल्यू क्या करा, सॉरी आई वैल्यू का अगेन हमने यहाँ पे वैल्यू को, आई की वैल्यू का अगेन हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया कि आई में क्या आया होगा, ठीक है आई, और यहाँ पे हमने कर दिया एंड। अब हमने यहाँ पे किया रिटर्न जीरो। तो हमारे पास जो कन्वर्जन है कौन सा कन्वर्जन है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन है, तो अपन यहाँ पे इसको इम्प्लिसिट नाम से सेव कर, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम हमारा देखिए कंपाइल, एरर जीरो, वार्निंग जीरो। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो देखिए हमको रिजल्ट मिल रहा, आई की वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया, एफ की वैल्यू कितनी मिल रही 90, आई की वैल्यू कितनी मिल रही 65, कितनी मिल रही 65। तो अपन ने यहाँ पे वैल्यू प्रिंट नहीं कराया, तो अपन यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं, किसकी आई की वैल्यू, आई की वैल्यू को यहाँ पे क्या करा लेते हैं प्रिंट करा लेते हैं। अब देखिए अपन ने जो डाला वही वैल्यू अपन को यहाँ से मिलेगी, रन कराई कंपाइल और रन, वही वैल्यू अपन को यहाँ से मिल रही, क्योंकि अपन ने यहाँ पे टाइप कास्टिंग नहीं की हुई, टाइप कास्टिंग हमने यहाँ, तो ये ऑटोमेटिक एक डेटा टाइप से जब दूसरे डेटा टाइप में हम चेंज कर देते हैं तो ये जो कन्वर्जन हमारा कहलाता है, तो ये हमारा कौन सा कहलाता है इम्प्लिसिट। देखिए ऐप से आई में कन्वर्ट कर दिया, ठीक, और एफ से आई में, सी एस से हमने आई में इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो कन्वर्जन कहलाता है वो कौन सा कन्वर्जन कहलाता है हमारा, इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहलाता है। दूसरा अगर हम बात करें, अगर हम यहीं पे बात करें, देखिए तो एक डायग्राम हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे लोअर डेटा टाइप्स कैर शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल और लॉन्ग डबल, ये अगर डेटा टाइप्स देखें तो लोअर, जब हम हायर से लोअर की तरफ आते हैं, हायर से लोअर की तरफ, देखिए हाई से लोअर की तरफ आते हैं तो डेटा हमारा क्या होता है लॉस होता है, डेटा हमारा क्या होता है लॉस होता है। यानी अगर हमने यहाँ पे बात की, अगर हमने जैसे कन्वर्ट कराया प्रोग्राम, आप देखिए इस प्रोग्राम को हमने यहाँ पे किया, इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास 90.99 थी, जब अगर हम इसकी वैल्यू प्रिंट करते हैं तो हमें रिजल्ट सिर्फ कितना मिलता है 90, यानी 9.99 डेटा का क्या कर रहे हैं लॉस कर रहे हैं। यानी हायर से जब लोअर की तरफ आते हैं तो डेटा का क्या होता है लॉस होता है, ये ध्यान रखना, डेटा हमारा क्या होता है लॉस होता है, ये ध्यान रखना। अगर हम डेटा टाइप्स की बात करें तो हम एक डायग्राम से समझा रहे हैं कि अगर टाइप कास्टिंग में कभी पूछता है तो हम लोअर से जब हायर से लोअर की तरफ आते हैं तो डेटा का क्या होता है लॉस होता है, जब हम लोअर से हायर की तरफ जाते हैं तो डेटा का लॉस नहीं होता। तो यही टाइप कास्टिंग का
पर्पस है कि अगर हमारे पास जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं, तो हमारी वहाँ छोटी से छोटी वैल्यू भी मायने रखती है, तो हमें अपने डेटा को लॉस होने से बचाना है, इसीलिए हम टाइप कन्वर्जन को अप्लाई करते हैं। इसलिए टाइप कन्वर्जन को अप्लाई, ये डायग्राम देखिए आप, अगर हमने देख बताया और आपको एग्जांपल देख के भी बताया कि जब हमने यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू क्या एफ, अगर एफ की वैल्यू की बात करें तो 90.99 इसकी वैल्यू है। जब हम इंट यानी कि इंट, अगर इंट की बात करें तो इंट क्या है, लोअर डेटा टाइप्स के फ्लोट इंटीजर की क्या है, 2 बाइट्स लेता है, फ्लोट कितने बाइट लेता है, 4 बाइट। तो फ्लोट की रेंज ज़्यादा है और इंटीजर की बाइट क्या छोटी, तो इंटीजर छोटा फ्लोट बड़ा। तो जब हम बड़े से छोटे की तरफ आते हैं तो डेटा का क्या होता है, लॉस होता है। ये देखिए डेटा का क्या हो रहा, हमारा रन करा दी, डेटा का लॉस हो रहा, 8.99 जो हमारी वैल्यू है उसका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये ध्यान रखना टाइप कास्टिंग, क्लियर, ये हमारा लॉस होता है। अब इसी में अगर हम बात करें दूसरा जो डेटा टाइप्स हमारे पास है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास अगर हम बात करें इम्प्लिसिट कन्वर्जन, देखिए दूसरा हमारे इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कन्वर्जन आपको समझ में, इम्प्लिसिट कन्वर्जन का समझ में आ गया होगा, जो कंपाइलर ऑटोमेटिकली परफॉर्म करते हैं, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहलाता है। कौन सा कहलाता है, इम्प्लिसिटली कन्वर्ट। पर वहन कन्वर्ट इम्प्लिसिट कन्वर्जन, इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है, मे बी डेटा लॉस, डेटा क्या हो जाता है, लॉस लॉस हो जाता है। इन सच केस वी कन्वर्ट डेटा वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। अगर जब हम वी कन्वर्ट द डेटा फ्रॉम वन डेटा टू अनदर डेटा, यानी एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। किसके थ्रू, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के थ्रू अगर हम उसको करते हैं, किसके थ्रू, ये देखिए लाइन आप समझ लीजिए, हाईलाइट कर देता हूँ उस पॉइंट्स को मैं। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम जब एक डेटा टाइप से वन डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, ये देखिए इतनी लाइन आप देख लीजिए, कन्वर्ट करते हैं किस तरह, एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करते हैं, तो डेटा का लॉस नहीं होता, डेटा का आपका क्या नहीं होता, लॉस नहीं होता, डेटा आपका लॉस होने से बच जाता है। तो वहाँ पे हमें देखिए क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, और यहाँ पे हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ा है, फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ा है, किस में, फ्लोट में। अब देखिए एक एग्जाम्पल देखिए आपको समझाते हैं तो इसमें क्लियर हो जाएगा आपको, ये आप इसमें कैसे काम करते हैं, क्लियर। तो एक अपन प्रोग्राम लेते हैं और आपको बता रहे हैं डेटा लॉस हो रहा है, उस डेटा को हम बचाना कैसे है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सपोज दैट हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखते हैं, किसका, अपने पास एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का प्रोग्राम अपन लिखते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लेते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन प्रोग्राम। अब अपन ने यहाँ पे भाई हेडर फाइल पहले ओपन कर लेते हैं, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। उसके बाद अपन इंट मेन फंक्शंस में आए, कहाँ आए अपन, मैन फंक्शंस में आए, यहाँ पर अपन ने किया इंट ए बी सी, ये तीन वेरिएबल्स बना लिए। एक अपन ने यहाँ से लिया फ्लोट, क्या लिया, फ्लोट, फ्लोट इसका नाम दे दिया अपन ने ए बी जी, क्या नाम दे दिया, ए बी जी। सी आउट एंटर द वैल्यू, कितनी वैल्यू, 3 वैल्यू, एंटर द 3 वैल्यू। यहाँ पर अपन ने किया सी इन बी सी। उसके बाद हमने क्या किया, इनका एवरेज निकाला, इनका क्या निकाला, एवरेज निकाला। तो ए बी जी इक्वल टू, एवरेज कैसे निकालते, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड करा के और डिवाइड बाई हमने यहाँ पे 3 कर दिया, डिवाइड बाई 3 कर दिया, क्लियर। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसको विदाउट कन्वर्ट, इसको सी आउट, अगर हम एवरेज बिफोर टाइप कास्टिंग, एवरेज बिफोर बिफोर टाइप कास्टिंग,
टाइप कास्टिंग, हमने एवीजी को यहाँ से प्रिंट कर, एवीजी को हमने यहाँ से क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया एंड, क्या दे दिया एंड रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो, प्रोग्राम को सेव कर दिया अपन ने, एक्सप्लिसिट सी। अब इस प्रोग्राम को अपन ने कंपाइल सेव कंपाइल, ठीक है, इस प्रोग्राम को रन, हमने तीनों वैल्यू इनपुट कर दी, ये हमारे पास कितना आ रहा है 41 आ रहा है। अगर हम इसको जोड़ें तीनों को तो हमारा तीन से डिवाइड करें तो हमारे पास रिजल्ट कितना आना चाहिए, जिससे हमारे पास वन, जब अपन कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या निकाल लेते हैं कैलकुलेटर, और यही वैल्यू डालते हैं कैलकुलेटर, ठीक, और देखते हैं कितना आना चाहिए। तो अपन ने जैसे 12 इनपुट किया प्लस 45 इनपुट किया प्लस 68 इनपुट किया, भागे तीन इक्वल टू, देखिए हमारे पास क्या आना चाहिए 41.666 आना चाहिए, यानी कि अभी हमने कोई टाइप कास्टिंग नहीं की है तो ये 6.6666 का हमारे पास ये 41.666 डेटा का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब इस डेटा को हमें लॉस से बचाना है क्योंकि ये बहुत रोल प्ले करता है हमारे पास किसी भी कैलकुलेशंस के लिए। अब इस डेटा को अगर लॉस करना है तो हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे टाइप कास्टिंग करते हैं, जैसे हमने दिया ए वी जी इक्वल टू, हम इसको कन्वर्ट करा देंगे फ्लोट, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, फोर्सफुली डेटा को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ फ्लोट, उसके अंदर हमने ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई थ्री, डिवाइड बाई थ्री, अब हम यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करते हैं, सी आउट आफ्टर कास्ट एवरेज आफ्टर कास्टिंग आफ्टर कास्टिंग, अब इसको हम प्रिंट करा लेते हैं ए बी जी एंड, ठीक। अब इस प्रोग्राम को अगेन सेव करते हैं और प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं और प्रोग्राम को रन, अब इसे अपने डाला था कितना 1240, ये देखिए हमारे पास पॉइंट में डेटा दे रहा है 3.3। अगर हम इसको अभी भी जोड़ लें एक बार फिर देख लें हमारे पास रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो अपन ने यहाँ पे कैलेंडर लिया कैलकुलेटर और इसको अगेन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन ने कितना डाला 12 प्लस 14 प्लस 56 भागे 3 इक्वल टू, ये देखिए रिजल्ट हमारे पास आ गया, एक बिल्कुल सही रिजल्ट आया, अब डेटा का हमारा लॉस नहीं होगा। तो इसीलिए हम टाइप कास्टिंग का यूज करते हैं, हम किसका यूज करते हैं, टाइप कास्टिंग, यानी डेटा को लॉस होने से बचाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, टाइप कास्टिंग। तो अब आपको हमें लगता है आई थिंक क्लियर हो गया होगा टाइप कास्टिंग हम क्यों यूज करते हैं। तो दो तरीके की टाइप कास्टिंग हमने आपको बताया, इंप्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप यूज करें, चाहे सी सी प्लस प्लस कोई भी यूज करें, सी शार्प, तो टाइप कास्टिंग या जावा, सब में आपको टाइप कास्टिंग की आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी। तो ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था टाइप कास्टिंग, जिस स्टूडेंट्स ने पूछा है अभी क्लियर हो गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को फिर कोई प्रॉब्लम आए टाइप कास्टिंग में तो आप हमें जरूर बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए अपना जो टॉपिक है इतना ही अपन रखते हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स कुछ एक्सरसाइज हम दे रहे हैं बार बार, उन एक्सरसाइज को करिए, उन एक्सरसाइज में किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं, है? कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आप लोगों को, और प्रैक्टिस करते जाइए। एग्ज़ाम के पर्पस से देखिए हम कुछ क्वेश्चंस भी आपको तैयार करवा देंगे, जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं उन क्वेश्चंस को भी ले लेंगे। सी प्लस प्लस का टॉपिक्स हमारे पास जो है मेन मेन टॉपिक्स, उनको एक बार रिवाइज़ करेंगे जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन सबको आप लोगों को तैयार करना, सी प्लस प्लस की अच्छे से तैयारी करना, एक बार सिलेबस उठा लीजिए,
किसी भी टॉपिक में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिए, पर्सनल मैसेज कर दीजिए, मैं उन टॉपिक, जैसे अभी एक स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया था टाइप कन्वर्जन सर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं मेरा, तो अभी क्लियर हो गया होगा, अगर कोई फिर प्रॉब्लम आए तो आप हमें बताएं। थैंक यू।